जी। अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो हमारे ऑफिस से रिटायर हो चुके हैं और हमने जो है इनके एजाज के अंदर यहाँ पर पार्टी रखी थी, और ऐसे में अगर इनकी मैं दो बातें आप तक ना पहुँचाऊँ तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती होगी। आपने वीडियो फिर भी मुकम्मल देखनी है, इनकी बातें भी सुननी है और यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो भी देखना है। जी नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान मोन शाह और आप देख रहे हैं वॉच विद मोन शाह। जैसा कि नाज़रीन इकराम हम आपको फ़नी, इल्मी और अदबी वीडियोस पेश करते हैं, इसी तरीके से हम आपको खाबे की रेस्टोरेंट्स की वीडियोस भी मुहैया करते हैं। नीज़ इल्मी और अदबी वीडियोस भी यहां पर शामिल होती हैं। नाज़रीन इकराम, बैकग्राउंड पर आप देख रहे हैं कि BFC यानी कि बिस्मिल्लाह फूड कॉर्नर की जानिब से जो है ये यहाँ पर मछली का नया इफ्तिताह हुआ है। पहले तो ये बड़ी देर से चलती आ रही है, लेकिन इन्होंने एक नया ट्रिक दिया है, नया जायका मुतारिफ करवाया है। तो नाज़रीन इकराम, हमने कहा क्यों ना हम यहाँ पर जो है ऑफिस की तरफ से जो पार्टी है हम यहाँ पर रखें और यहाँ का भी जो है वो जायका चखा जाए, चेक किया जाए और आपको भी बताया जाए। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के अंदर जो है यहाँ पर बिस्मिल्लाह फूड कॉर्नर की जो है सफाई सुथराई, मछली जो फ्रीज़र में रखी हुई है ये चीज़, और इसके अलावा जो है ये तलेंगे, आपको इसकी क्वालिटी दिखाएंगे और मज़ीद बरां ये कि यहाँ पर जो है वो फूड सिस्टम कैसा है। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है, बल्कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हल हो जाएँ, क्योंकि इंशाल्लाह जो है बहुत सारे दोस्त जो है वो साथी जो हैं वो हमें ये कहते हैं कि मोहन भाई आप जो है वो खाबे की वीडियो बनाया करें, जाके फूड्स की वीडियोस बनाया करें और रेस्टोरेंट्स की वीडियोस भी बनाया करें, और इससे जो है वो हमें एक नया नॉलेज मिलता है, नई ट्रिक मिलती है कि यहाँ का खाना कैसा है। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर टाउनशिप के अंदर जो है ये जगह है बिस्मिल्लाह फूड कॉर्नर। तो यहाँ पर आके जनाब आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं और यहाँ का जो बैकग्राउंड है ये भी आपके सामने है, तो यहाँ की मजीद सफाई और सुथराई जो है ये भी हम आपको दिखाते हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो जो ऑफिस की तरफ से हमने यहाँ पर पार्टी अरेंज की है हम आपको उसके मुनासिब भी दिखाते हैं। और तो नाज़रीन इकराम, चलते हैं हम पार्टी की तरफ और जहाँ पर मछली चलनी है आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन इकराम, CMS मीटिंग वर्कशॉप से जो है अब्दुल रहमान साहब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जो है वो फेयरवेल पार्टी जो है वो हमने रखी है और आपके सामने जो है वो गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं और मुअज़्ज़िज़ीन मिल रहे हैं। अब जो है वो हमने इनकी अकीदत के अंदर और इनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो है वो वन बाई वन जो है वो फूलों के हार अब्दुल रहमान साहब के गले में पहनाने के लिए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का एक ग्रुप जो है वो इनके आमने सामने मौजूद, और जो है वो मलक मुख्तार साहब ने हार पहनाया और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा साथी ये फ़ाहिम खान स्टोर वाले जो है CMS के स्टोर बेसमेंट में जो फ़ाहिम साहब होते हैं उन्होंने हार पहनाया और गले मिले और मुबारकबादियाँ वसूल की, और ये सईद अहमद ख़ान बॉक्सर ने जो है वो फूलों का हार जो है अब्दुल रहमान साहब के गले में पहनाया। पीछे देखें जी कौन, वाह जी वाह, अरे अरसलान सुबहानी साहब ने भी जो है हार इनके गले में पहनाया। इसी दौरान जो है वो स्क्रैपियंस के जो हैं वो रिजवान साहब ने भी हार गले में पहनाया, और इसी असना में जो है सैयद मज़र जिब्रान गिलानी साहब की भी जो है वो महफिल में आमद हो चुकी, सैयद तसव्वुर साहब से वो गले भी मिले। और नाज़रीन इकराम, बहुत सारी वीडियोस आपको हम नॉलेजफुल फ्राहम करेंगे। अभी जो है वो अब्दुल रहमान साहब की फेयरवेल पार्टी आप इंजॉय करें। अरे ये क्या, अब्दुल रहमान साहब के साथ ये कौन सी मखलूक आके खड़ी हो गई, अरे वाह भाई वाह, आज़म भाई हैं ये तो। आज़म भाई जो है वो फूलों का गुलदस्ता अब्दुल रहमान साहब को पेश करते हुए, वाह जी वाह, वेरी नाइस, क्लैपिंग के अंदर जो है वो इनका इस्तकबाल किया गया और जो है ये फूलों का दस्ता साइड पर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्टी कौन जो है वो अब्दुल रहमान साहब को आके फूलों का हार पेश करती है या फिर फूलों का गुलदस्ता पेश करती है। अब्दुल रहमान साहब के साथ जो है वो रज़ाक अहमद डोगर साहब खड़े हैं और रज़ाक अहमद डोगर साहब ने जो है ये अपनी तरफ से जो है एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का गिफ्ट जो है वो अब्दुल रहमान साहब को दिया।
अरे देखें तो सही इनके साथ कौन मौजूद है। जनाब सईद तसव्वुर साहब जो है वो इनके साथ मौजूद हैं। तो तालियों की गूंज के अंदर नाज़रीन कराम फेयरवेल पार्टी जो है वो अपने इख्तिताम को आहिस्ता आहिस्ता वो पहुंच रही है। नाज़रीन कराम मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप जो है वो बोर नहीं होंगे, क्योंकि जो है सुई गैस की पार्टी का समा है और BFC बिस्मिल्ला फूड कॉर्नर का जो है वो हम आपको माहौल दिखा रहे हैं, इंतज़ाम दिखा रहे हैं। अगर कोई भी बंदा पार्टी करता है यहाँ पर तो ये देखें इस तरीके से ये आपको इंतज़ाम फराहम करेंगे। आप चाहे फेयरवेल पार्टी कर लें, आप हैप्पी बर्थडे भी यहाँ पर मना सकते हैं और अपनी शादी की हैप्पी एनिवर्सरी भी जो है वो यहाँ पर आप बिस्मिल्ला फूड कॉर्नर में जो है वो मना सकते हैं। इसके अलावा जो लोग व्लॉग बनाते हैं वो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छे तरीके से व्लॉग भी बना सकते हैं, जैसा कि मोनशा जो है वो आपको व्लॉग बनाकर दिखा रहे हैं। सांसों की बेरब्तगी बता रही है, सांसों की बेरब्तगी बता रही है कि शख्स बड़े दूर से सफ़र करके आया है। नाज़रीन कराम अब्दुर्रहमान साहब वाकई जो है वो अपने घर से बड़े तगोदो के साथ सफ़र करके यहाँ पर हमारी फेयरवेल पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं और यहाँ पर इनको तोहफ़ों से नवाजा जा रहा है। तोहफे लेंगे तोहफे देंगे नाज़रीन कराम, इसी तरीके से हम मोहब्बत अमन का सबूत देंगे। अब्दुर्रहमान साहब की ज़िंदगी के अंदर जो है वो मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि कभी भी जो है वो इनकी ज़बान से या इनके हाथ से जो है वो किसी भी मुसलमान को जो है वो कम अज़ कम ईज़ा नहीं पहुंचा। बहुत ज़्यादा खुश फहम इंसान थे और इखलाक के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे अखलाक के मालिक थे। नाज़रीन कराम सईद तसव्वुर साहब जो है वो खड़े हैं, बेहतरीन अंदाज में जो है वो स्माइल पेश कर रहे हैं। अरे ये क्या, अब्दुल सत्तार साहब भी यहाँ पर खड़े हैं और अब तो शौकत साहब जो है वो यहाँ पर आकर अब्दुर्रहमान साहब को बेहतरीन किस्म की शील्ड पेश कर रहे हैं। और शौकत साहब भी जो है वो हमारी मीटिंग वर्कशॉप का बहुत ही अहम और मौजू हिस्सा हैं, ये भी ड्राइवर के यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम यहाँ पर CMS के तमाम बशिंदे जो हैं वो जमा हैं कि जो अब्दुर्रहमान साहब को जो है वो बाय बाय टाटा करने के लिए आए हैं, क्योंकि एक बंदा जो है वो जब रिटायर हो जाता है उसके बाद एक फेयरवेल पार्टी होती है उसकी, और उसके अंदर उसको तोहफे तहाइफ देकर इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है। अरे ये क्या, ये कौन आ गया, अरे वाह भाई वाह, ये तो शाह जी हैं कि जो अब्दुर्रहमान साहब के साथ काम करते थे। आखिर में जो है वो शाह जी ने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया कि रहमान साहब तुम जिते मर्जी चले जाओ, मैं जो जिंदा होया मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। समझ गए ना तुसी मैं की कहना चाह रहे हैं। अरे ये क्या, ये कौन लोग आ चुके, अरे स्क्रैपियंस जो हैं वो भी आ चुके ग्रुप की शक्ल में और अब्दुर्रहमान साहब को जो है वो फूलों का गुलदस्ता जो है वो दोबारा से पेश किया जा रहा है। अरे भाई मोहब्बत का अंदाज़ है ना, अगर बहुत ज़्यादा फूलों के गुलदस्ते लेके आते हम तो वो हर तरफ फूलों के गुलदस्ते हो जाते और इस तरीके से बेअदबी भी होती और तमाम के तमाम फूल ज़ाया हो जाते। अरे वह देखें तो सही, अब्दुर्रहमान साहब के साथ सईद अहमद खान बॉक्सर मौजूद हैं, जो कि सईद अहमद खान साहब जो हैं वो अब्दुर्रहमान साहब को फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। अपनी मोहब्बत को दिखाने का एक अलग ही जज्बा है, एक अलग ही रंग है, एक अलग ही रूप है, निखार है। अरे वाह, ये कौन मौजूद है, मलक साहब, मलक मुख्तार अहमद साहब जो हैं वो CMS मीटिंग वर्कशॉप के जो है वो नुमाइंदगी करते हुए अब्दुर्रहमान साहब को ये फूलों का हार पेश कर रहे हैं, जबकि जो है रज़ाक डोगर साहब साथ में खड़े हैं। और देखिए जी कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो सईद अहमद खान जो है वो लोगों को गले लगा रहे हैं और बोसों किनार करके अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। और वाह नाज़रीन इकराम, अब जो है यहाँ पर वेटिंग चल रही है। वेटिंग किस चीज़ की चल रही है देख कर आप बखूबी समझ सकते हैं मेरा ख्याल है, बल्कि पक्का ये कमाल है कि यहाँ पर मछली की वेटिंग चल रही है। और वेटिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर मेहमान खसूसी जो मौजूद हैं यहाँ पर मछलियाँ इनको फ्राहम कर दी गई हैं। ये भी हाफ साहब है हमारे मीटिंग के, बद्र जमील साहब मौजूद हैं, मज़र जिब्रान गिलानी साहब मौजूद हैं, इस्लाम साहब मौजूद हैं और उसके बाद स्क्रैपियंस जो हैं वो आपको पता ही है जैसा कि। और उसके बाद ये देखें कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, आइए हम आपको जो है वो छोटा सा नज़ारा ये देखें मुख्तसर तौर पर यहाँ का दिखाते हैं। नाज़रीन कराम BFC बिस्मिल्लाह फूड कॉर्नर जो है वो आपको फ्राहम करेगा बिल्कुल इस तरीके से अच्छा साफ और कुशादा माहौल, इसमें आप फेयरवेल पार्टी करें, हैप्पी बर्थडे टू यू इसको विश करें यानी कि हैप्पी बर्थडे फंक्शन करें, इसके अलावा जो है वो आप हैप्पी सरमनी का फंक्शन भी कर सकते हैं। नाज़रीन कराम ये देखें शाह जी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो है कमर्शियल डोमेस्टिक
अलगर्ज जो है वो हमारी ऑफिस के जो है वो तमाम लोग मौजूद हैं गाहे बगाहे और यहाँ पर जो है वो खुश गपियों में मसरूफ हैं। लाला जी जो भी लाना दो लेके आना। नाज़िर निकराम यहाँ पर जो है वो फिश पार्टी मौजूद है और इसके अलावा जो है बहुत ही रंगारंग तकरीब मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वो खाना भी स्टार्ट कर दिया। फजाक अहमद डोगर साहब मौजूद, इसके अलावा जो है वो सईद तसव्वुर साहब भी मौजूद, क्योंकि जो है यहाँ पर खाना बड़े ही तरीके से तकसीम किया जा चुका है और तमाम लोग जो है वो खाने के ऊपर टूट पड़े हैं। ते मैं सुननी तेरी भी नहीं, सुननी मैं ओदी भी नहीं, अज मैं अपनी सारी मच्छी खा के बैसा, परा हो वंज जड़ा मेरे को आसी में मुँह से ब्रोच मार के पड़ा कर बैसा, मैं मच्छी पूरी खा के बैसा। तुफैल साहब मौजूद और अल्लामा साहब भी मौजूद और कैमरे को देख के बाबी वाह बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अरे बाबी वाह देखो तो सही, कौन आया और निवाला किस तरीके से बना रहा है, मैं तो पूरा ही खासा हूँ, देख लिया हो देख लिया। रिजवान साहब जो है उनका मैंने निवाला जो है वो ख़राब कर दिया। सलीम साहब अरे वाह भाई वाह, खाने का क्या ही अंदाज़ है। नाज़रीन इकराम की जस्ट थोड़ी सी जो है वो कमेंट्री आपको हंसाने के लिए किए जा रही है ताकि जो है वो आप वीडियो तो देख रहे हैं, आप जो है BFC का प्रोग्राम देखें, ये देखें किस तरीके से जो है चटनी और इसके अलावा कैचअप और मछली जो है वो हमें दिखाई गई है। वाह भाई वाह, मैं तो पूरी खा गई वैसा। मलक मुख्तार साहब जो है वो दोबारा आ चुके, बट साहब उसके साथ नईम खान साहब और उसके साथ राणा साहू साहब। वाह जी वाह, खाने का निराला ही अंदाज है। 1 to 4 और 4 to 1, क्या ही बात है। BFC बिस्मिल्लाह फूड कॉर्नर की जानिब से जो है वो यहाँ पर एक हसीनो जमील और बेहतरीन किस्म का अरेंजमेंट करार पाया। ये देखें जनाब, आप भी इस तरीके से जो है वो किसी किस्म की भी पार्टी कर रहे हैं। अलावा साहब मेनू मच्छी दे दें कि भाई मंजूर साहब बैग खा लो, वाच विद मून शाह जोड़ा है तुम वीडियो बना के तैयार करी जाते हो, बाद जी तैयार कर लेना, लेकिन जोड़ा है मैं इन्होंने यह कह रहा वा कि जी कि मैं तो मच्छी थोड़ी जी खा लेती है, हम तुम खाओ तो मैं व्लॉग की तरफ तो जाओ यूट्यूबर अदिल भाई। उसके बाद जो है नज़र निकाल भी देखें कितनी सज धज के जो है वो यहाँ पर शानदार पार्टी का इंतज़ाम है। लो जी पानी तुसी भी पियो सोने हो। लो जी सईद बख्त साहब जो है वो 1 बाइट लेते हुए ओ गई चौका। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम आपको फ़नी इल्मी अदबी वीडियोस पेश करते हैं, आज हम जो है वो हम आपको ऑफिस पार्टी का व्लॉग पेश कर रहे हैं जिसके अंदर जो है वो आप लोगों ने BFC यानी कि बिस्मिल्लाह फूड कॉर्नर का जो है सेटअप देखा, अरेंजमेंट देखा। तो नाज़रीन इकराम मेरे साथ इस वक्त ऐसी हस्ती खड़ी हैं कि जिसके लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अब्दुलरहमान साहब जो हैं वो हमारे ऑफिस से रिटायर हो चुके हैं और हमने जो है इनके एजाज़ के अंदर यहाँ पर पार्टी रखी थी और ऐसे में अगर इनकी मैं 2 बातें आप तक ना पहुँचाऊँ तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादती होगी। आपने वीडियो फिर भी मुकम्मल देखनी है, इनकी बातें भी सुननी हैं और यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो भी देखना है। माइक चलता है अब्दुलरहमान साहब के पास। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना अच्छा अरेंज किया और ये अल्फाज नहीं मतलब खलूस है आपका, जितना भी जिस तरीके से भी आपने ये अरेंज किया ये बयान नहीं करता, बंदा फील कर सकता है और बहुत बहुत मेहरबानी है इतने अच्छे अरेंजमेंट की, थैंक यू वेरी मच। लो जी इतना अरसा इन्होंने गुजारा है, कभी मैंने नहीं देखा कि इन्होंने किसी की दिल आजारी की हो, किसी की दिल शकनी की हो। वैसे आजकल के दौर में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि किसी बंदे की दिल शिकनी ना करे, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी पूरी सर्विस में। बेहतरीन तरीके से इन्होंने अल्लाह करीम का घर भी देखा है, जो कंपनी ने इनको ये एजाज़ बख्शा है, लेकिन बुलाना तो उनका होता है। और मैं इनको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस चीज़ पे भी मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी सर्विस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निभाई और तमाम लोगों के दिलों पर इन्होंने राज किया। नाज़रीन इकराम आपने रहना है हमारे साथ, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, इस तरीके से आपको हमारी तमाम फनी इल्मी अदबी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो नाज़रीन इकराम रहमान साहब को आखिर में मैं एक दफ़ा फिर कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। इसके साथ ही जो है वो हम वीडियो के इख्तिताम पर पहुँचते हैं। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ मोन शाह और हम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस फ्राहम करते हैं। आज हमने जो है
ऑफिस पार्टी का व्लॉग जो है वो यहाँ पर बनाया है बिस्मिल्लाह फूड कॉर्नर पर। नाज़रीन कराम, हमने आपको इसकी सफाई सुथराई और तमाम लवाजमात जो है आपको दिखाए हैं। तो नाज़रीन कराम, आप कभी भी जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आके अच्छा सा व्लॉग भी बना सकते हैं जो बनाना चाहें, और इसके अलावा जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से बैठ के मछली का डिनर भी उड़ा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, और नाज़रीन कराम अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा वॉच विद मुंशा, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।